नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर हाजिर हुए हैं तमिल भाषा की मोस्ट आउटेड मूवी। 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई फिल्म ब्लैक मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग की अब इंतज़ार की घड़ी अब होने वाली है ख़त्म, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर हाजिर हुए हैं तमिल भाषा की बनी फिल्म ब्लैक मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ कर दी गई है। दोस्तों आज की इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में फिल्म ब्लैक मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू रिलेटेड जानकारी और इस मूवी की हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमारे आप लोग की अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों बात की जाए तमिल भाषा की मोस्ट आउटेड मूवी ब्लैक, जो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है, जिसे केजी बाल समुद्रम ने लिखा है और निर्देशित किया है। इसे पोस्टियल स्टूडियो LLP के तहत SR प्रकाश बाबू, SR प्रभु पी गोपीनाथ और नागा प्रभा हरण आर द्वारा निर्मित किया गया था। फिल्म को 1 अगस्त 2024 में आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी की गई थी। फिल्म का संगीत सैम CS ने तैयार किया है और छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था और आयुध पूजा के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई थी। फिल्म को बात की जाए तो दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों बहुत पसंद कर रहे हैं। प्री रिलीज इवेंट में निर्माताओं के नाम का खुलासा किए बिना पुष्टि की थी। यह फिल्म एक हॉलीवुड साइंस फाई थ्रिलर फिल्म की आधिकारिक रूप रीमेक है, लेकिन दोस्तों नेटिजेस को जेम्स और बांड बार्किट द्वारा निर्देशित 2013 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म कोहरेस के साथ ब्लैक की कुछ मान्यता मिली है, जिसकी पुष्टि रिलीज के बाद की गई है। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो फिल्म की कथना की ओर थोड़ा नजर डालें। दोस्तों इस फिल्म में जिप्पा और प्रिया भवानी, शंकर, विवेक प्रसन्ना, युग जापी जैसे कई दिग्गज स्टार दिखाए देंगे। 24 अगस्त को आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी हो गई है। फिल्म का संगीत सैम CS ने तैयार किया है, छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म की कथना 1964 में एक बरसात की रात में सुपर मून की रोशनी में 3 लोगों एक जोड़े में भागकर जो शादी करने के लिए आया था और उनका दोस्त मनोहर कार से एक साथ यात्रा करते हैं, जो मनोहर उनके मिलन का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों वह विवाह और इरादे रखता है वह और दुल्हन ललिता से गुप्त रूप से प्यार करता है। रास्ते में उन्हें एक कीचड़ में फंस गई गाड़ी मिलती है, जो उन्हें उनके रास्ते में एक भारी देवदूत
की मूर्ति ले जा रही है, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत भारी है। इसे पार करने के बाद वो मोहन के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। बाद में मोहन मनोहर जोड़े के कमरे की ओर बढ़ता है और हाथ में बंदूक लेकर उन्हें मारने के इरादे से, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वह कुछ कर पाता है, एक आवेगपूर्ण शो उसे चौंका देता है और उसे एक विसंगत का अभ्यास होता है। एक गोली चलती है और जब वह कमरे में घुसता है तो वह जोड़े को मित्र पाता है, भ्याती वह उनके हैं। वर्तमान के समय में वसंत और अरायना एक विवाहित जोड़ा जो अक्सर विवादों में रहता है, अपने रिश्ते की कठिन परिस्थितियों से निपटने की कोशिश करता है। एक रात तब में वसंत का झगड़ा हो जाता है, जिससे अरनया बहुत निराश हो जाती है। सुलह करने के लिए वह छुट्टी मनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दोस्तों अरनया एक शांत और टाउनशिप में अपने नए अपार्टमेंट में सप्ताहांत की यात्रा का सुझाव देती है और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो 1964 की एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं, जो दोस्तों उनके रास्ते में प्रमुखता से स्थापित है। अपार्टमेंट परिसर में पहले निवासी होने के नाते वो उस रात अकेले होते हैं और वो ड्यूटी पर एक अकेले सुरक्षा गार्ड के साथ रहने का इरादा रखते हैं। टाउनशिप प्रमोटरों के अनुसार 1964 के स्थापित देवदूत की मूर्ति रसमय और घटनाओं के इतिहास के कारण अपने स्थान पर बनी हुई है, जो स्थानांतरण के प्रयासों को विफल कर रही है, जिसके कारण चर्च में लगता है कि इसे दैवीय रूप से रहने का इरादा है और वो पास की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। उनकी पहली असामान्य मुठभेड़ एक रसमान्य व्यक्ति द्वारा उपहार में दी गई रसम्य पेंटिंग और मुख्य द्वारा लिखने के लिए सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति है। वसंत और अरमन्या दिल के लिए सो जाते हैं और जब प्यार करने लगते हैं तो बिजली चली जाती है और वहीं आवेगपूर्ण आवाज फिर से सुनाई देती है। पावर बैक अप को चालू करने वाला कोई ना होने के कारण वो इसे चालू करने के लिए अकेले पार्किंग क्षेत्र में जाते हैं और अरनया को ठीक समय पर कोई अजनबी दिखाई देता है, लेकिन वह किसी को नहीं देख पाती है। हालांकि दोस्तों उसे यकीन है कि कोई है, दरवाजे की घंटी बजने से घंटाएं उन्हें और चौंका देती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि वह वसंत का दोस्त होता है, जो इस बात से परेशान है कि उसने किसी मुद्दे के बारे में देर रात को फोन किया था। वसंत और अरनया जिन्होंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अलविदा कहते हैं कि वो उन्हें कोई सामान्य नहीं है। बाद में अरनया ने
विपरीत अपार्टमेंट में रोशनी देखती है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई थी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो पूरे टाउनशिप में एकमात्र निवासी है। फिर दोस्तों अजीब घटनाएं सामने आने लगती है। वो अपने अपार्टमेंट के सामने अपने अपार्टमेंट की एक प्रतिबिंब देखते हैं, जिसमें एक जैसा फर्नीचर पे और सजावट है, जो चिंतित होकर देखते हैं और उसके अपार्टमेंट में एक पर्दा अचानक आग पकड़ लेता है। फिर भी वो एक बार जब वो इसे बुझा देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अमर चौधरी, जो जिन्हें पेशावर रूप से जीवा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो फिल्म निर्माता, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। वो दोस्तों फिल्म के निर्माता आरवी चौधरी के सबसे छोटे बेटे हैं। दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1991 में अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म में एक बार कलाकार के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने पिता की 50वीं प्रोडक्शन साई 2003 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की है। शिवाजी गणेशन के बाद जीवा एकमात्र तमिल अभिनेता है जिन्होंने साई प्रसा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से राम 2005 में उनके प्रदर्शन के लिए किया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अन्य फिल्मों में अभिनय किया जो सफल रही, जैसे ई 2006 और कतरधु तमेश 2007, शिव मानसुल्ला शक्ति 2009, को 2011, ननबंद 2012, मुग्गा मुडी 2012 और निथन्ने एंड पुन्नाथम 2012 जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उनकी दूसरी फिल्म थित्तिकुड्डे उदय किरण की तेलुगु फिल्म मनसत्था नुब्बे की तमिल रीमेक है, 2003 में रिलीज हुई थी और इसे सुपर गुड फिल्म्स ने ही बनाया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन दोस्तों अभिनेताओं को उनके अच्छे लुक और भावपूर्ण भावनाओं के लिए सराहना मिली थी। यह उनकी तीसरी फिल्म थी। अमेरिकी क्राइम थ्रिलर राम 2005, जिसे फिल्म उद्योग में उनके लिए ड्रीम ब्रेक कहा गया था, का मुख्य पाठक कथा और एक सनी 17 वर्षीय लड़के की उनकी भूमिका ने दर्शकों को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। फिल्म को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बाद में साई प्रशंस और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था, जहां दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। दोस्तों जीवा ने इसके बाद डिस्यूम 2006 में अभिनय किया है, जिसमें कादल फेम संध्या के साथ काम किया है। युवाओं के लिए एक अच्छी फिल्म और विभिन्न स्थानीय प्रशासनों के समीक्षा की है। जीवा इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं और एक अभिनेता के रूप में परिपक्व हो गए हैं। उनका अभिनय त्रुटिहीन और स्वाभाविक है। उनकी भावनाएं हाव भाव सभी परिपूर्ण है। गलट्टा ने टिप्पणी की थी कि उसकी बॉस उनकी उन्होंने मेजर रवि की फिल्म कीर्ति चक्र 2006 के साथ मलयालम सिनेमा में एक एनएसजी कमांडो के रूप में अपनी शुरुआत की है, जिसमें मोहनलाल ने अभिनय किया था। फिल्म की शुरुआत शानदार रही और यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मलयालम फिल्मों में से एक थी।
दोस्तों जीवा ने एशिया नेटफ्लिक्स अवार्ड में गोपिका के साथ सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार भी जीता है। तमिल अभिनेता जीवा के पास एक अधिक वीर भूमिका है जिसे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उन्होंने भूमिका में जो शारीरिक ऊर्जा डाली है और उसे देखने के बाद ही विश्वास किया जा सकता है। सिफी ने लिखा कि बाद में फिल्म को डब किया गया और तमिल में अरन के रूप में रिलीज किया गया था। 2006 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म हुई थी जहां उन्होंने नयनतारा के साथ एक मुग्गा मुद्दी और डुप्पडी में रहने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से हिट रही थी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह एक ऐसी फिल्म है। फिल्म में जीवा ने अपने 2015 की एक साल की ब्रेक लिया था और 2016 में 3 रिलीज के साथ वापस लौटे थे। उन्होंने अपनी 25वीं फिल्म पुक्किरी राजा में अभिनय किया था जिसे मिसेस से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। उनकी अगली फिल्म लंबे समय से विलंबित थिरुनाल थी जिसमें उन्होंने नयनतारा के साथ दूसरी बार काम किया था। इसके बाद उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी कौलाई वेदम 2016 में देखा गया था जिस दोस्तों डीके ने निर्देशित किया था और जहां उन्हें काजल अग्रवाल के साथ थोड़ा जोड़ा गया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली है। Rediff.com की समीक्षा में कहा गया है कि जीवा इस भूमिका के लिए एक कदम सही विकल्प लगते हैं। सहज रूप से चंचल मजेदार और बेहद भावुक होने के कारण उनकी 2017 की रिलीज डेब्यू डायरेक्टर इके की हर कॉमेडी और सिंगली और बुंगुली कधवा थोरा ए को सकारात्मक समीक्षा मिली है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उनकी अगली फिल्म सुंदरसी द्वारा निर्देशित कलाकलप्पू 2 2018 थी जो दोस्तों फरवरी में रिलीज हुई थी और जीवा को शिवा जय निक्की गलरानी और कैथरीन ट्रेशा के साथ देखा गया था। एक कॉमेडी इंटरटेनर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और सुपरहिट साबित हुई थी। जीवा की अगली फिल्म की एक साइबर थ्रिलर मई 2019 में रिलीज हुई जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। जीवा की अगली फिल्म गोरिल्ला डॉन सैडी द्वारा निर्देशित जुलाई 2019 में रिलीज हुई और इस फिल्म में एक चिंपांजी की अहम भूमिका थी जो दोस्तों भारतीय फिल्म इतिहास में पहली बार हुआ था। यह भी पता चला कि कोंग नाम से चिंपांजी को थाईलैंड में सुमित और प्रशिक्षण स्टेशन से कम पर रखा गया था। चिंपांजी से संबंधित अधिकांश दृश्य की शूटिंग थाईलैंड और शेष भाग चेन्नई में शूट किए गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री सत्याप्रिया भवानी शंकर जिसे यह एक भारतीय अभिनेत्री है पूर्व टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में कुछ तेलुगु फिल्मों के अलावा दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्म मेयद्धा मान 2017 में अपनी अभिनय की शुरुआत की और वह मेयद्धा मान 2017 कडाकुट्टी सिंगम 2018 मान स्टार 2019 और माफिया चैप्टर 1 2020 मन्नाई येनाई 2022 और थिरुचित्र बलम 2022 पातुथल्ला 2023 और डेमोटे क
कॉलोनी जैसी सफल फिल्मों में दिखाई दी है। दोस्तों, इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विवेक प्रसन्ना एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों इस फिल्म में दिखाई दिए हैं, जो तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं, ज्यादातर सहायक भूमिकाओं में हैं। 2017 में उन्होंने फिल्म मेधामान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार जीता है। लघु फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों में कई प्रतिष्ठियों के बाद उन्होंने अरुण कुमार की पुलिस ड्रामा सेतुपति 2016 में विजय सेतुपति के साथ अभिनय की शुरुआत किया था। उसके बाद दोस्तों 2017 में विवेक प्रसन्ना ने एक सफलता हासिल की है और कई सफल तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका में दिखाई दिए हैं। विक्रम वेदा में ड्रग लॉर्ड रवि के रूप में उनकी भूमिका और चिपक आई गई थी। एक राजनेता के रूप में भी उन्होंने प्रशंसा मिली और इसके बाद वह रोमांटिक कॉमेडी मेधामान में दूसरे लीड के रूप में दिखाई दिए थे, जिसमें दोस्तों विनोद के चरित्र के चित्रण के लिए प्रशंसात्मक समीक्षा मिली है। अंत सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार अर्जित किया है। सबसे पहले उन्होंने फिल्म में विनोद की भूमिका को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशक रत्न कुमार ने उन्हें भूमिका करने के लिए मना लिया है। रत्न कुमार ने विवेक प्रसन्ना पर भरोसा किया और उनकी भूमिका के लिए उनके अभिनय पर ध्यान दिया जा सकता है। फिल्म में योगी बाबू भी काम किए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने बिल्ला 2007 में रंजीत की सहायक भूमिका में अभिनय किया था। इसके बाद पहले उन्होंने सिद्धू कवम 2013 में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और अब्राहा मिंते और संता तिंकल 2018 में एक नकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने गौतम वासु मेनन की पुलिस फिल्मों और बिल्ला फिल्म श्रृंखला में रंजीत के रूप में अक्सर काम किया था। उन्होंने सुद्धो कब्बोम में अपने काम के लिए सकारात्मक समीक्षा भी जीती है। उन्होंने सातवें दिन 2014 में मलयालम फिल्म में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की है, जबकि चेन्नई स्थित थिएटर कंपनी थिएटर वाई के स्थापक है और उन्होंने भारत के विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में ब्रिटिश काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम किया है। उनका काम बच्चे के साथ थिएटर प्रशिक्षण और शिक्षा में थिएटर को मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित है। सामाजिक जागरूकता और विकास के लिए एक उपकरण है। उपकरण के रूप में थिएटर वाई शिक्षा पाठ्यक्रम के कला और संस्कृति के एक बड़े हस्तक्षेप की दिशा में प्रयास करता है। 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दी गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में फिल्म ब्लैक मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू रिलेटेड जानकारी और इस मूवी की हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हमारे आप लोग की अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, बात की जाए तमिल भाषा की मोस्ट आउटेड मूवी ब्लैक, जो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है, जिसे केजी बालसमुद्रम ने लिखा है और निर्देशित किया है।
इसे पोस्टियल स्टूडियो LLP के तहत SR प्रकाश बाबू, SR प्रभु पी गोपीनाथ और नागा प्रभा हरण आर द्वारा निर्मित किया गया था। फिल्म को 1 अगस्त 2024 में आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी की गई थी। फिल्म का संगीत सैम CS ने तैयार किया है और छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था और आयुध पूजा के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई थी। फिल्म को बात की जाए तो दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों बहुत पसंद कर रहे हैं। प्री रिलीज इवेंट में निर्माताओं के नाम का खुलासा किए बिना पुष्टि की थी। यह फिल्म एक हॉलीवुड साइंस फाई थ्रिलर फिल्म की आधिकारिक रूप रीमेक है, लेकिन दोस्तों नेटिजेस को जेम्स और बांड बार्किट द्वारा निर्देशित 2013 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म कोहरेस के साथ ब्लैक की कुछ मान्यता मिली है, जिसकी पुष्टि रिलीज के बाद की गई है। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो फिल्म की कथना की ओर थोड़ा नजर डालें। दोस्तों इस फिल्म में जिब्बा और प्रिया भवानी, शंकर, विवेक प्रसन्ना, युग जापी जैसे कई दिग्गज स्टार दिखाई देंगे। 24 अगस्त को आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी हो गई है। फिल्म का संगीत सैम CS ने तैयार किया है, छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म की कथना 1964 में एक बरसात की रात में सुपर मून की रोशनी में 3 लोगों एक जोड़े में भागकर जो शादी करके करने के लिए आया था और उनका दोस्त मनोहर कार से एक साथ यात्रा करते हैं, जो मनोहर उनके मिलन का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों वो विवाह और इरादे रखता है और दुल्हन ललिता से गुप्त रूप से प्यार करता है। रास्ते में उन्हें एक कीचड़ में फंस गई गाड़ी मिलती है, जो उन्हें उनके रास्ते में एक भारी देवदूत की मूर्ति ले जा रही है, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत भारी है। इसे पार करने के बाद वो मोहन के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। बाद में मोहन मनोहर जोड़े के कमरे की ओर बढ़ता है और हाथ में बंदूक लेकर उन्हें मारने के इरादे से, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वह कुछ कर पाता है, एक आवेगपूर्ण शो उसे चौंका देता है और उसे एक विसंगत का अभ्यास होता है। एक गोली चलती है और जब वह कमरे में घुसता है तो वह जोड़े को मित्र पाता है, भ्याती वह उनके हैं। वर्तमान के समय में वसंत और अरायना एक विवाहित जोड़ा जो अक्सर विवादों में रहता है, अपने रिश्ते की कठिन परिस्थितियों से निपटने की कोशिश करता है। एक रात तब में वसंत का झगड़ा हो जाता है, जिससे अरनया
बहुत निराश हो जाती है। सुलह करने के लिए बहुत वह छुट्टी मनाने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन दोस्तों अर्नया एक शांत और टाउनशिप में अपने नए अपार्टमेंट में सप्ताहांत की यात्रा सुझाव देती है और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो 1964 की एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं जो दोस्तों उनके रास्ते में प्रमुखता से स्थापित है। अपार्टमेंट परिसर में पहले निवासी होने के नाते वो उस रात अकेले होते हैं और वो ड्यूटी पर एक अकेले सुरक्षा गार्ड के साथ रहने का इरादा रखते हैं। टाउनशिप प्रमोटरों के अनुसार 1964 के स्थापित देवदूत की मूर्ति रसमय और घटनाओं के इतिहास के कारण अपने स्थान पर बनी हुई है जो स्थानांतरण के प्रयासों को विफल कर रही है जिसके कारण चर्च में लगता है कि इसे दैवीय रूप से रहने का इरादा है और वो पास की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। उनकी पहली असामान्य मुठभेड़ एक रसामान्य व्यक्ति द्वारा उपहार में दी गई रहस्यमय पेंटिंग और मुख्य द्वारा लिखने के लिए सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति है। बसंत और अरमन्या दिल के लिए सो जाते हैं और जब प्यार करने लगते हैं तो बिजली चली जाती है और वहीं आवेगपूर्ण आवाज फिर से सुनाई देती है। पावर बैक ऑफ को चालू करने वाला कोई ना होने के कारण वो इसे चालू करने के लिए अकेले पार्किंग क्षेत्र में जाते हैं और अर्नया को ठीक समय पर कोई अजनबी दिखाई देता है लेकिन वह किसी को नहीं देख पाती है। हालांकि दोस्तों उसे यकीन है कि कोई है। दरवाजे की घंटी बजने से घंटाएं उन्हें और चौंका देती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि वह वसंत का दोस्त होता है जो इस बात से परेशान है कि उसने किसी मुद्दे के बारे में देर रात को फोन किया था। वसंत और अर्नया जिन्होंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था हैरान हो जाते हैं लेकिन उन्हें अलविदा कहते हैं कि वो उन्हें कोई सामान्य नहीं है। बाद में अर्नया ने विपरीत अपार्टमेंट में रोशनी देखती है जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई थी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो पूरे टाउनशिप में एकमात्र निवासी है। फिर दोस्तों अजीब घटनाएं सामने आने लगती है। वो अपने अपार्टमेंट के सामने अपने अपार्टमेंट की एक प्रतिबिंब देखते हैं जिसमें एक जैसा फर्नीचर पे और सजावट है जो चिंतित होकर देखते हैं और उसके अपार्टमेंट में एक पर्दा अचानक आग पकड़ लेता है। फिर भी वो एक बार जब वो इसे बुझा देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अमर चौधरी जो जिन्हें पेशावर रूप से जीवा के नाम से जाना जाता है एक भारतीय अभिनेता है जो फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। वो दोस्तों फिल्म के निर्माता आरवी चौधरी के सबसे छोटे बेटे हैं। दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1991 में अपने
पिता द्वारा निर्मित फिल्म में एक बार कलाकार के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने पिता की 50वीं प्रोडक्शन साई अशाई 2003 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की है। शिवाजी गणेशन के बाद जीवा एकमात्र तमिल अभिनेता है जिन्होंने साई प्रसा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से राम 2005 में उनके प्रदर्शन के लिए किया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अन्य फिल्मों में अभिनय किया जो सफल रही, जैसे ई 2006 और कतरधो तमेश 2007, शिव मानसुल्ला शक्ति 2009 को, 2011 ननबन, 2012 मुग्गा मुडी 2012 और निथन्ने एंड पुन्नाथम 2012 जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उनकी दूसरी फिल्म थित्तिकुड्डे उदय किरण की तेलुगु फिल्म मनसत्था नुब्बे की तमिल रीमेक है, 2003 में रिलीज हुई थी और इसे सुपर गुड फिल्म्स ने ही बनाया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन दोस्तों अभिनेताओं को उनके अच्छे लुक और भावनाओं के लिए सराहना मिली थी। यह उनकी तीसरी फिल्म थी। अमेरिकी क्राइम थ्रिलर राम 2005, जिसे फिल्म उद्योग में उनके लिए ड्रीम ब्रेक कहा गया था, का मुख्य पाठकथा और एक सनी 17 वर्षीय लड़के की उनकी भूमिका ने दर्शकों को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। फिल्म को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बाद में साई प्रशंस और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था, जहां दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। दोस्तों जीवा ने इसके बाद डिस्यूम 2006 में अभिनय किया है, जिसमें कादल फेम संध्या के साथ काम किया है। युवाओं के लिए एक अच्छी फिल्म और विभिन्न स्थानीय प्रशासनों के समीक्षा की है। जीवा इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं और एक अभिनेता के रूप में परिपक्व हो गए हैं। उनका अभिनय त्रुटिहीन और स्वाभाविक है। उनकी भावनाएं भाव और हाव भाव सभी परिपूर्ण है। गलट्टा ने टिप्पणी की थी कि उसकी बॉस उनकी उन्होंने मेजर रवि की फिल्म कीर्ति चक्र 2006 के साथ मलयालम सिनेमा में एक एनएसजी कमांडो के रूप में अपनी शुरुआत की है, जिसमें मोहनलाल ने अभिनय किया था। फिल्म की शुरुआत शानदार रही और यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मलयालम फिल्मों में से एक थी। दोस्तों जीवा ने एशिया नेट फिल्म्स अवार्ड में गोपिका के साथ सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार भी जीता है। तमिल अभिनेता जीवा के पास एक अधिक वीर भूमिका है, जिसे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उन्होंने भूमिका में जो शारीरिक ऊर्जा डाली है और उसे देखने के बाद ही विश्वास किया जा सकता है। सिफी ने लिखा कि बाद में फिल्म को डब किया गया और तमिल में अरन के रूप में रिलीज किया गया था। 2006 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म हुई थी, जहां उन्होंने नयनतारा के साथ एक मुग्गा मुद्दी और डुप्पडी में रहने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से हिट रही थी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह एक ऐसी फिल्म है। फिल्म में जीवा ने अपने 2015 की एक साल के ब्रेक लिया था और 2016 में 3 रिलीज के साथ वापस लौटे थे। उन्होंने अपनी 25वीं फिल्म पुक्किरी राजा में अभिनय किया था, जिसे मिसेस से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है।
उनकी अगली फिल्म लंबे समय से विलंबित थिरुनाल थी, जिसमें उन्होंने नयनतारा के साथ दूसरी बार काम किया था। इसके बाद उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी कौलाई वेदम 2016 में देखा गया था, जिस दोस्तों डीके ने निर्देशित किया था और जहां उन्हें काजल अग्रवाल के साथ थोड़ा जोड़ा गया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली है। Rediff.com की समीक्षा में कहा गया है कि जीवा इस भूमिका के लिए एक कदम सही विकल्प लगते हैं। सहज रूप से चंचल, मजेदार और बेहद भावुक होने के कारण उनकी 2017 की रिलीज डेब्यू डायरेक्टर इके की हर कॉमेडी और सिंगली और बुंगुली कधवा थोरा ए को सकारात्मक समीक्षा मिली है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उनकी अगली फिल्म सुंदरशी द्वारा निर्देशित कलाकलप्पू 2018 थी, जो दोस्तों फरवरी में रिलीज हुई थी और जीवा को शिवा जय, निक्की गलरानी और कैथरीन ट्रेशा के साथ देखा गया था। एक कॉमेडी इंटरटेनर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और सुपरहिट साबित हुई थी। जीवा की अगली फिल्म की एक साइबर थ्रिलर मई 2019 में रिलीज हुई, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। जीवा की अगली फिल्म गोरिल्ला डॉन सैटी द्वारा निर्देशित जुलाई 2019 में रिलीज हुई और इस फिल्म में एक चिंपांजी की अहम भूमिका थी, जो दोस्तों भारतीय फिल्म इतिहास में पहली बार हुआ था। यह भी पता चला कि कोंग नाम से चिंपांजी को थाईलैंड में सुमित और प्रशिक्षण स्टेशन से कम पर रखा गया था। चिंपांजी से संबंधित अधिकांश दृश्य की शूटिंग थाईलैंड और शेष भाग चेन्नई में शूट किए गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री सत्याप्रिया भवानी संगत, जिसे यह एक भारतीय अभिनेत्री है, पूर्व टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है, जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में कुछ तेलुगु फिल्मों के अलावा दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्म मेयद्धा मान 2017 में अपनी अभिनय की शुरुआत की और वह मेयद्धा मान 2017, कडाकुट्टी सिंगम 2018, मान स्टार 2019 और माफिया चैप्टर 1 2020, मन्नाई येनाई 2022 और थिरुचित्र बलम 2022, पातुथल्ला 2023 और डेमोटे कलोनी जैसी सफल फिल्मों में दिखाई दी है। दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विवेक प्रसन्ना एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों इस फिल्म में दिखाई दिए हैं, जो तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं, ज्यादातर सहायक भूमिकाओं में हैं। 2017 में उन्होंने फिल्म मेयद्धा मान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार जीता है। लघु फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों में कई प्रतिष्ठियों के बाद उन्होंने अरुण कुमार की पुलिस ड्रामा सेतुपति 2016 में विजय सेतुपति के साथ अभिनय की शुरुआत किया था। उसके बाद दोस्तों 2017 में विवेक प्रसन्ना ने एक सफलता हासिल की है और कई सफल तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका में दिखाई दिए हैं। विक्रम वेद्धा में ड्रग लॉर्ड रवि के रूप में उनकी भूमिका और चिपक आई गई थी। एक राजनेता के रूप में भी उन्होंने प्रशंसा मिली और इसके बाद वह रोमांटिक कॉमेडी मेयद्धा मान में दूसरे लीड के रूप में दिखाई दिए थे।
जिसमें दोस्तों विनोद के चरित्र के चित्रण के लिए प्रशंसात्मक समीक्षा मिली है। अंतः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार अर्जित किया है। सबसे पहले उन्होंने फिल्म में विनोद की भूमिका को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशक रत्न कुमार ने उन्हें भूमिका करने के लिए मना लिया है। रत्न कुमार ने विवेक प्रसन्ना पर भरोसा किया और उनकी भूमिका के लिए उनके अभिनय पर ध्यान दिया जा सकता है। फिल्म में योगी बाबू भी काम किए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने बिल्ला 2007 में रंजीत की सहायक भूमिका में अभिनय किया था। इसके बाद पहले उन्होंने सिद्धू कवम 2013 में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और अब्राहमिंते और संत थिंकल 2018 में एक नकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने गौतम वासु मेनन की पुलिस फिल्मों और बिल्ला फिल्म श्रृंखला में रंजीत के रूप में अक्सर काम किया था। उन्होंने सिद्धू कब्बोम में अपने काम के लिए सकारात्मक समीक्षा भी जीती है। उन्होंने सातवें दिन 2014 में मलयालम फिल्म में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की है, जबकि चेन्नई स्थित थिएटर कंपनी थिएटर वाई के स्थापक है और उन्होंने भारत के विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में ब्रिटिश काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम किया है। उनका काम बच्चे के साथ थिएटर प्रशिक्षण और शिक्षा में थिएटर को मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित है। सामाजिक जागरूकता और विकास के लिए एक उपकरण है। उपकरण के रूप में थिएटर वाई शिक्षा पाठ्यक्रम के कला और संस्कृति के एक बड़े हस्तक्षेप की दिशा में प्रयास करता है। बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों बात की जाए तमिल भाषा की मचाउटेड मूवी ब्लैक, जो 2024 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है, जिसे केजी बालसमुद्रम ने लिखा है और निर्देशित किया है। इसे पोस्टियल स्टूडियो LLP के तहत SR प्रकाश बाबू, SR प्रभु पी गोपीनाथ और नागा प्रभा हरण आर द्वारा निर्मित किया गया था। फिल्म को 1 अगस्त 2024 में आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी की गई थी। फिल्म का संगीत सैम CS ने तैयार किया है और छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था और आयुध पूजा के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई थी। फिल्म को बात की जाए तो दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों बहुत पसंद कर रहे हैं। प्री रिलीज इवेंट में निर्माताओं के नाम का खुलासा किए बिना पुष्टि की थी। यह फिल्म एक हॉलीवुड साइंस फाई थ्रिलर फिल्म की आधिकारिक रूप रीमेक है, लेकिन दोस्तों नेटिजेस को जेम्स और पांड बार्किट द्वारा निर्देशित 2013 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म कोहरेस के साथ ब्लैक की कुछ मान्यता मिली है, जिसकी पुष्टि रिलीज के बाद की गई है। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो फिल्म की कथना की ओर थोड़ा नजर डाले दोस्तों, इस फिल्म में जिप्पा
और प्रिया भवानी शंकर, विवेक प्रसन्ना, युग जापी जैसे कई दिग्गज स्टार दिखाई देंगे। 24 अगस्त को आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंस पर फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी हो गई है। फिल्म का संगीत सैम सी एस ने तैयार किया है, छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म की कथानक 1964 में एक बरसात की रात में सुपर मून की रोशनी में तीन लोगों एक जोड़े में भागकर जो शादी करके करने के लिए आया था और उनका दोस्त मनोहर कार से एक साथ यात्रा करते हैं, जो मनोहर उनके मिलन का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों वो विवाह और इरादे रखता है और दुल्हन ललिता से गुप्त रूप से प्यार करता है। रास्ते में उन्हें एक कीचड़ में फंस गई गाड़ी मिलती है, जो उन्हें उनके रास्ते में एक भारी देवदूत की मूर्ति ले जा रही है, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत भारी है। इसे पार करने के बाद वो मोहन के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। बाद में मनोहर जोड़े के कमरे की ओर बढ़ता है और हाथ में बंदूक लेकर उन्हें मारने के इरादे से, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वह कुछ कर पाता है, एक आवेगपूर्ण शो उसे चौंका देता है और उसे एक विसंगत का अभ्यास होता है। एक गोली चलती है और जब वह कमरे में घुसता है तो वह जोड़े को मित्र पाता है, भ्याति वह उनके हैं। वर्तमान के समय में वसंत और अरायना एक विवाहित जोड़ा जो अक्सर विवादों में रहता है, अपने रिश्ते की कठिन परिस्थितियों से निपटने की कोशिश करता है। एक रात तब में वसंत का झगड़ा हो जाता है, जिससे अरनय बहुत निराश हो जाती है। सुलह करने के लिए वह छुट्टी मनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दोस्तों अरनय एक शांत और टाउनशिप में अपने नए अपार्टमेंट में सप्ताहांत की यात्रा का सुझाव देती है और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो 1964 की एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं, जो दोस्तों उनके रास्ते में प्रमुखता से स्थापित है। अपार्टमेंट परिसर में पहले निवासी होने के नाते वो उस रात अकेले होते हैं और वो ड्यूटी पर एक अकेले सुरक्षा गार्ड के साथ रहने का इरादा रखते हैं। टाउनशिप प्रमोटरों के अनुसार 1964 के स्थापित देवदूत की मूर्ति रहस्यमय और घटनाओं के इतिहास के कारण अपने स्थान पर बनी हुई है, जो स्थानांतरण के प्रयासों को विफल कर रही है, जिसके कारण चर्च में लगता है कि इसे दैवीय रूप से रहने का इरादा है और वो पास की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। उनकी पहली असामान्य मुठभेड़ एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उपहार में दी गई रहस्यमय पेंटिंग और मुख्य द्वारा लिखने के लिए सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति है। वसंत और अरमन्या दिल के लिए सो जाते हैं और जब प्यार
करने लगते हैं तो बिजली चली जाती है और वही आवेगपूर्ण आवाज फिर से सुनाई देती है। पावर बैंक ऑफ को चालू करने वाला कोई ना होने के कारण वो इसे चालू करने के लिए अकेले पार्किंग क्षेत्र में जाते हैं और अर्नया को ठीक समय पर कोई अजनबी दिखाई देता है, लेकिन वह किसी को नहीं देख पाती है। हालांकि दोस्तों उसे यकीन है कि कोई है, दरवाजे की घंटी बजने से घंटाएं उन्हें और चौंका देती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि वह वसंत का दोस्त होता है, जो इस बात से परेशान है कि उसने किसी मुद्दे के बारे में देर रात को फोन किया था। वसंत और अर्नया जिन्होंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अलविदा कहते हैं कि वो उन्हें कोई समस्या नहीं है। बाद में अर्नया ने विपरीत अपार्टमेंट में रोशनी देखती है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो पूरे टाउनशिप में एकमात्र निवासी है। फिर दोस्तों अजीब घटनाएं सामने आने लगती है। वो अपने अपार्टमेंट के सामने अपने अपार्टमेंट की एक प्रतिबिंब देखते हैं, जिसमें एक जैसा फर्नीचर पे और सजावट है, जो चिंतित होकर देखते हैं और उसके अपार्टमेंट में एक पर्दा अचानक आग पकड़ लेता है। फिर भी वो एक बार जब वो इसे बुझा देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अमर चौधरी, जो जिन्हें पेशावर रूप से जीवा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो फिल्म निर्माता, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। वो दोस्तों फिल्म के निर्माता आरवे चौधरी के सबसे छोटे बेटे हैं। दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1991 में अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म में एक बार कलाकार के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने पिता की 50वीं प्रोडक्शन साई 2003 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की है। शिवाजी गणेशन के बाद जीवा एकमात्र तमिल अभिनेता है जिन्होंने साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से राम 2005 में उनके प्रदर्शन के लिए किया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अन्य फिल्मों में अभिनय किया जो सफल रही, जैसे ई 2006 और कतरधो तमेश 2007, शिव मानसुल्ला शक्ति 2009 को, 2011 ननबंद, 2012 मुग्गा मुडी 2012 और निथान्ने एंड पुन्नाथम 2012 जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उनकी दूसरी फिल्म थित्ती कुड्डे उदय किरण की तेलुगु फिल्म मनसत्था नुब्बे की तमिल रीमेक है, 2003 में रिलीज हुई थी और इसे सुपर गुड फिल्म्स ने ही बनाया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन दोस्तों अभिनेताओं को उनके अच्छे लुक और भावनाओं के लिए सराहना मिली थी। यह उनकी तीसरी फिल्म थी। अमेरिकी क्राइम थ्रिलर राम 2005, जिसे फिल्म उद्योग में उनके लिए ड्रीम ब्रेक कहा गया था, कामुक का पाठक था और एक सनी 17 वर्षीय लड़के की उनकी भूमिका ने दर्शकों को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है।
फिल्म को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बाद में साइप्रस और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था, जहां दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। दोस्तों जीवा ने इसके बाद डिस्यूम 2006 में अभिनय किया है, जिसमें कदल फेम संध्या के साथ काम किया है। युवाओं के लिए एक अच्छी फिल्म और विभिन्न स्थानीय प्रशासनों के समीक्षा की है। जीवा इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं और एक अभिनेता के रूप में परिपक्व हो गए हैं। उनका अभिनय त्रुटिहीन और स्वाभाविक है। उनकी भावनाएं भाव 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 और हाव भाव सभी परिपूर्ण है। गलट्टा ने टिप्पणी की थी कि उसकी बॉस उनकी उन्होंने मेजर रवि की फिल्म कीर्ति चक्र 2006 के साथ मलयालम सिनेमा में एक एनएसजी कमांडो के रूप में अपनी शुरुआत की है, जिसमें मोहनलाल ने अभिनय किया था। फिल्म की शुरुआत शानदार रही और यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मलयालम फिल्मों में से एक थी। दोस्तों जीवा ने एशिया नेट फिल्म्स अवार्ड में गोपिका के साथ सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार भी जीता है। तमिल अभिनेता जीवा के पास एक अधिक वीर भूमिका है, जिसे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उन्होंने भूमिका में जो शारीरिक ऊर्जा डाली है और उसे देखने के बाद ही विश्वास किया जा सकता है। सिफी ने लिखा कि बाद में फिल्म को डब किया गया और तमिल में अरन के रूप में रिलीज किया गया था। 2006 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म हुई थी, जहां उन्होंने नयनतारा के साथ एक मुग्गा मुद्दी और डुपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से हिट रही थी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह एक ऐसी फिल्म है। फिल्म में जीवा ने अपने 2015 की एक साल की ब्रेक लिया था और 2016 में तीन रिलीज के साथ वापस लौटे थे। उन्होंने अपनी 25वीं फिल्म पुक्किरी राजा में अभिनय किया था, जिसे मिसेस से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। उनकी अगली फिल्म लंबे समय से विलंबित थिरुनाल थी, जिसमें उन्होंने नयनतारा के साथ दूसरी बार काम किया था। इसके बाद उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी कौलाई वेदम 2016 में देखा गया था, जिस दोस्तों डीके ने निर्देशित किया था और जहां उन्हें काजल अग्रवाल के साथ थोड़ा जोड़ा गया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली है। Rediff.com की समीक्षा में कहा गया है कि जीवा इस भूमिका के लिए एक कदम सही विकल्प लगते हैं। सहज रूप से चंचल मजेदार और बेहद भावुक होने के कारण उनकी 2017 की रिलीज डेब्यू डायरेक्टर इके की हर कॉमेडी और सिंगली और बुंगुली कधवा थोरा ए को सकारात्मक समीक्षा मिली है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उनकी अगली फिल्म सुंदरसी द्वारा निर्देशित कला कलप्पू 2018 थी, जो दोस्तों फरवरी में रिलीज हुई थी और जीवा को शिवा जय निक्की गल रानी और कैथरीन ट्रेशा के साथ देखा गया था। एक कॉमेडी इंटरटेनर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और सुपरहिट साबित हुई थी। जीवा की अगली फिल्म की एक साइबर थ्रिलर मई 2019 में रिलीज हुई, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। जीवा की अगली फिल्म गोरिल्ला डॉन सैटी द्वारा निर्देशित जुलाई 2019 में रिलीज हुई
और इस फिल्म में एक चिंपांजी की अहम भूमिका थी, जो दोस्तों भारतीय फिल्म इतिहास में पहली बार हुआ था। यह भी पता चला कि कोंग नाम से चिंपांजी को थाईलैंड में सुमित और प्रशिक्षण स्टेशन से कम पर रखा गया था। चिंपांजी से संबंधित अधिकांश दृश्य की शूटिंग थाईलैंड और शेष भाग चेन्नई में शूट किए गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री सत्याप्रिया भवानी संगत जी से। यह एक भारतीय अभिनेत्री है, पूर्व टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है, जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में कुछ और तेलुगु फिल्मों के अलावा दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्म मेयद्धा मान 2017 में अपनी अभिनय की शुरुआत की और वह मेयद्धा मान 2017, कडाकुट्टी सिंगम 2018, मान स्टार 2019 और माफिया चैप्टर 1 2020, मन्नाई येनाई 2022 और थिरुचित्र बलम 2022, पातुथल्ला 2023 और डेमोटे कलोनी जैसी सफल फिल्मों में दिखाई दी है। दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विवेक प्रसन्ना एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों इस फिल्म में दिखाई दिए हैं, जो तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं, ज्यादातर सहायक भूमिकाओं में हैं। 2017 में उन्होंने फिल्म मेयद्धा मान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार जीता है। लघु फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों में कई प्रतिष्ठियों के बाद उन्होंने अरुण कुमार की पुलिस ड्रामा सेतुपति 2016 में विजय सेतुपति के साथ अभिनय की शुरुआत किया था। उसके बाद दोस्तों 2017 में विवेक प्रसन्ना ने एक सफलता हासिल की है और कई सफल तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका में दिखाई दिए हैं। विक्रम वेद्धा में ड्रग लॉर्ड रवि के रूप में उनकी भूमिका और चिपक आई गई थी। एक राजनेता के रूप में भी उन्होंने प्रशंसा मिली और इसके बाद वह रोमांटिक कॉमेडी मेयद्धा मान में दूसरे लीड के रूप में दिखाई दिए थे, जिसमें दोस्तों विनोद के चरित्र के चित्रण के लिए प्रशंसात्मक समीक्षा मिली है। अंत सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार अर्जित किया है। सबसे पहले उन्होंने फिल्म में विनोद की भूमिका को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशक रत्न कुमार ने उन्हें भूमिका करने के लिए मना लिया है। रत्न कुमार ने विवेक प्रसन्ना पर भरोसा किया और उनकी भूमिका के लिए उनके अभिनय पर ध्यान दिया जा सकता है। फिल्म में योगी बाबू भी काम किए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है, जो चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने बिल्ला 2007 में रंजीत की सहायक भूमिका में अभिनय किया था। इसके बाद पहले उन्होंने सिद्धू कवम 2013 में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और अब्राहा मिंते और संता थिंकल 2018 में एक नकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने गौतम वासु मेनन की पुलिस फिल्मों और बिल्ला फिल्म श्रृंखला में रंजीत के रूप में अक्सर काम किया था। उन्होंने सिद्धू कब्बोम में अपने काम के लिए सकारात्मक समीक्षा भी जीती है। उन्होंने सातवें दिन 2014 में मलयालम फिल्म में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की है, जबकि चेन्नई स्थित थिएटर कंपनी थिएटर वाई के स्थापक है और उन्होंने भारत के विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में
ब्रिटिश काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम किया है। उनका काम बच्चे के साथ थिएटर प्रशिक्षण और शिक्षा में थिएटर को मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित है। सामाजिक जागरूकता और विकास के लिए एक उपकरण है, उपकरण के रूप में थिएटर वाय शिक्षा पाठ्यक्रम के कला और संस्कृति के एक बड़े हस्तक्षेप की दिशा में प्रयास करता है। प्रभु पी गोपीनाथ और नागा प्रभा हरण आर द्वारा निर्मित किया गया था। फिल्म को 1 अगस्त 2024 में आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी की गई थी। फिल्म का संगीत सैम सी एस ने तैयार किया है और छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था और आयुध पूजा के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई थी। फिल्म को बात की जाए तो दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों बहुत पसंद कर रहे हैं। प्री रिलीज इवेंट में निर्माताओं के नाम का खुलासा किए बिना पुष्टि की थी। यह फिल्म एक हॉलीवुड साइंस फाई थ्रिलर फिल्म की आधिकारिक रूप रीमेक है, लेकिन दोस्तों नेटिजेस को जेम्स और पांड बार्किट द्वारा निर्देशित 2013 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म कोहरेस के साथ ब्लैक की कुछ मान्यता मिली है, जिसकी पुष्टि रिलीज के बाद की गई है। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो फिल्म की कथना की और थोड़ा नजर डाले दोस्तों इस फिल्म में जिप्पा और प्रिया भवानी, शंकर, विवेक, प्रसन्ना, युग, जापी जैसे कई दिग्गज स्टार दिखाई देंगे। 24 अगस्त को आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी हो गई है। फिल्म का संगीत सैम सी एस ने तैयार किया है, छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म की कथना 1964 में एक बरसात की रात में सुपरमून की रोशनी में 3 लोगों एक जोड़े में भागकर जो शादी करके करने के लिए आया था और उनका दोस्त मनोहर कार से एक साथ यात्रा करते हैं, जो मनोहर उनके मिलन का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों वो विवाह और इरादे रखता है। वह और दुल्हन ललिता से गुप्त रूप से प्यार करता है। रास्ते में उन्हें एक कीचड़ में फंस गई गाड़ी मिलती है, जो उन्हें उनके रास्ते में एक भारी देवदूत की मूर्ति ले जा रही है, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत भारी है। इसे पार करने के बाद वो मोहन के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। बाद में मनोहर जोड़े के कमरे की ओर बढ़ता है और हाथ में बंदूक लेकर उन्हें मारने के इरादे से, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वह कुछ कर पाता है, एक आवेगपूर्ण शो उसे चौंका देता है और उसे एक विसंगत का अभ्यास होता है। एक गोली चलती है और जब वह कमरे में घुसता है तो वह जोड़े को मित्र पाता है, भ्याती वह उनके हैं।
वर्तमान के समय में वसंत और आरायन अरायना एक विवाहित जोड़ा जो अक्सर विवादों में रहता है, अपने रिश्ते की कठिन परिस्थितियों से निपटने की कोशिश करता है। एक रात तब में वसंत का झगड़ा हो जाता है जिससे अरनय बहुत निराश हो जाती है। सुलह करने के लिए बहुत वह छुट्टी मनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दोस्तों अरनय एक शांत और टाउनशिप में अपने नए अपार्टमेंट में सप्ताहांत की यात्रा का सुझाव देती है और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो 1964 की एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं जो दोस्तों उनके रास्ते में प्रमुखता से स्थापित है। अपार्टमेंट परिसर में पहले निवासी होने के नाते वो उस रात अकेले होते हैं और वो ड्यूटी पर एक अकेले सुरक्षा गार्ड के साथ रहने का इरादा रखते हैं। टाउनशिप प्रमोटरों के अनुसार 1964 के स्थापित देवदूत की मूर्ति रहस्यमय और घटनाओं के इतिहास के कारण अपने स्थान पर बनी हुई है, जो स्थानांतरण के प्रयासों को विफल कर रही है, जिसके कारण चर्च में लगता है कि इसे दैवीय रूप से रहने का इरादा है और वो पास की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। उनकी पहली असामान्य मुठभेड़ एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उपहार में दी गई रहस्यमय पेंटिंग और मुख्य द्वारा लिखने के लिए सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति है। वसंत और अरमन्य दिल के लिए सो जाते हैं और जब प्यार करने लगते हैं तो बिजली चली जाती है और वहीं आवेगपूर्ण आवाज फिर से सुनाई देती है। पावर बैक ऑफ को चालू करने वाला कोई ना होने के कारण वो इसे चालू करने के लिए अकेले पार्किंग क्षेत्र में जाते हैं और अरनया को ठीक समय पर कोई अजनबी दिखाई देता है, लेकिन वह किसी को नहीं देख पाती है। हालांकि दोस्तों उसे यकीन है कि कोई है। दरवाजे की घंटी बजने से घंटाएं उन्हें और चौंका देती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि वह वसंत का दोस्त होता है, जो इस बात से परेशान है कि उसने किसी मुद्दे के बारे में देर रात को फोन किया था। वसंत और अरनया जिन्होंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अलविदा कहते हैं कि वो उन्हें कोई सामान्य नहीं है। बाद में अरनया ने विपरीत अपार्टमेंट में रोशनी देखती है जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो पूरे टाउनशिप में एकमात्र निवासी है। फिर दोस्तों अजीब घटनाएं सामने आने लगती है। वो अपने अपार्टमेंट के सामने अपने अपार्टमेंट की एक प्रतिबिंब देखते हैं जिसमें एक जैसा फर्नीचर पे और सजावट है, जो चिंतित होकर देखते हैं और उसके अपार्टमेंट में एक पर्दा अचानक आग पकड़ लेता है। फिर भी वो एक बार जब वो इसे बुझा देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अमर चौधरी, जो जिन्हें पेशावर रूप से जीवा के नाम से जाना जाता है,
एक भारतीय अभिनेता हैं जो फिल्म निर्माता, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। वो दोस्तों फिल्म के निर्माता अरवे चौधरी के सबसे छोटे बेटे हैं। दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1991 में अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म में एक बार कलाकार के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने पिता की 50वीं प्रोडक्शन साई असाई अशाई 2003 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की है। शिवाजी गणेशन के बाद जीवा एकमात्र तमिल अभिनेता है जिन्होंने साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से राम 2005 में उनके प्रदर्शन के लिए किया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अन्य फिल्मों में अभिनय किया जो सफल रही, जैसे ई 2006 और कतरधु तमेश 2007, शिव मांसुला शक्ति 2009, को 2011, ननबंद 2012, मुग्गा मुडी 2012 और निथान्ने एंड पुन्नाथम 2012 जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उनकी दूसरी फिल्म थित्तीकुड्डे उदय किरण की तेलुगु फिल्म मनसत्था नुब्बे की तमिल रीमेक है, 2003 में रिलीज हुई थी और इसे सुपर गुड फिल्म्स ने ही बनाया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन दोस्तों अभिनेताओं को उनके अच्छे लुक और भावपूर्ण भावनाओं के लिए सराहना मिली थी। यह उनकी तीसरी फिल्म थी। अमेरिकी क्राइम थ्रिलर राम 2005, जिसे फिल्म उद्योग में उनके लिए ड्रीम ब्रेक कहा गया था, कामुक का पाठक कथा और एक सनी 17 वर्षीय लड़के की उनकी भूमिका ने दर्शकों को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। फिल्म को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बाद में साइप्रस और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था, जहां दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। दोस्तों जीवा ने इसके बाद डिसियम 2006 में अभिनय किया है, जिसमें कदल फेम संध्या के साथ काम किया है। युवाओं के लिए एक अच्छी फिल्म और विभिन्न स्थानीय प्रशासनों के समीक्षा की है। जीवा इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं और एक अभिनेता के रूप में परिपक्व हो गए हैं। उनका अभिनय त्रुटिहीन और स्वाभाविक है। उनकी भावनाएं, भाव 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 और हाव भाव सभी परिपूर्ण है। गलट्टा ने टिप्पणी की थी कि उसकी बॉस उनकी उन्होंने मेजर रवि की फिल्म कीर्तिचक्र 2006 के साथ मलयालम सिनेमा में एक एनएसजी कमांडो के रूप में अपनी शुरुआत की है, जिसमें मोहनलाल ने अभिनय किया था। फिल्म की शुरुआत शानदार रही और यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मलयालम फिल्मों में से एक थी। दोस्तों जीवा ने एशिया नेट फिल्म्स अवार्ड में गोपिका के साथ सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार भी जीता है। तमिल अभिनेता जीवा के पास एक अधिक वीर भूमिका है, जिसे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उन्होंने भूमिका में जो शारीरिक ऊर्जा डाली है और उसे देखने के बाद ही विश्वास किया जा सकता है। सिफी ने लिखा कि बाद में फिल्म को डब किया गया और तमिल में अरन के रूप में रिलीज किया गया था। 2006 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म हुई थी, जहां उन्होंने नयनतारा के साथ एक मुग्गा मुद्दी और दुप्पड़ी में रहने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से हिट रही थी।
दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह एक ऐसी फिल्म है। फिल्म में जीवा ने अपने 2015 की एक साल के ब्रेक लिया था और 2016 में 3 रिलीज के साथ वापस लौटे थे। उन्होंने अपनी 25वीं फिल्म पुक्किरी राजा में अभिनय किया था, जिसे मिसेस से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। उनकी अगली फिल्म लंबे समय से विलंबित थिरुनाल थी, जिसमें उन्होंने नयनतारा के साथ दूसरी बार काम किया था। इसके बाद उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी कोलाई वेदम 2016 में देखा गया था, जिसे दोस्तों डीके ने निर्देशित किया था और जहां उन्हें काजल अग्रवाल के साथ थोड़ा जोड़ा गया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली है। Rediff.com की समीक्षा में कहा गया है कि जीवा इस भूमिका के लिए एक कदम सही विकल्प लगते हैं। सहज रूप से चंचल, मजेदार और बेहद भावुक होने के कारण उनकी 2017 की रिलीज डेब्यू डायरेक्टर इके की हर कॉमेडी और सिंगली और बुंगुली कधवा थोरा ए को सकारात्मक समीक्षा मिली है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उनकी अगली फिल्म सुंदरसी द्वारा निर्देशित कलाकलप्पू 2 2018 थी, जो दोस्तों फरवरी में रिलीज हुई थी और जीवा को शिवा जय, निक्की गलरानी और कैथरीन ट्रेशा के साथ देखा गया था। एक कॉमेडी इंटरटेनर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और सुपरहिट साबित हुई थी। जीवा की अगली फिल्म की एक साइबर थ्रिलर मई 2019 में रिलीज हुई, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। जीवा की अगली फिल्म गोरिल्ला डॉन सैटी द्वारा निर्देशित जुलाई 2019 में रिलीज हुई और इस फिल्म में एक चिंपांजी की अहम भूमिका थी, जो दोस्तों भारतीय फिल्म इतिहास में पहली बार हुआ था। यह भी पता चला कि कोंग नाम से चिंपांजी को थाईलैंड में सुमित और प्रशिक्षण स्टेशन से कम पर रखा गया था। चिंपांजी से संबंधित अधिकांश दृश्य की शूटिंग थाईलैंड और शेष भाग चेन्नई में शूट किए गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री सत्याप्रिया भवानी संगत, जिसे यह एक भारतीय अभिनेत्री है, पूर्व टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है, जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में कुछ और तेलुगु फिल्मों के अलावा दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्म मेयद्धा मान 2017 में अपनी अभिनय की शुरुआत की और वह मेयद्धा मान 2017, कडाकुट्टी सिंगम 2018, मान स्टार 2019 और माफिया चैप्टर 1 2020, मन्नाई येनाई 2022 और थिरुचित्र बलम 2022, पातुथल्ला 2023 और टेमोटे कलोनी जैसी सफल फिल्मों में दिखाई दी है। दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विवेक प्रसन्ना एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों इस फिल्म में दिखाई दिए हैं, जो तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं, ज्यादातर सहायक भूमिकाओं में हैं। 2017 में उन्होंने फिल्म मेयद्धा मान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार जीता है। लघु फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों में कई प्रतिष्ठियों के बाद उन्होंने अरुण कुमार की पुलिस ड्रामा सेतुपति 2016 में विजय सेतुपति के साथ अभिनय की शुरुआत किया था। उसके बाद दोस्तों 2017 में विवेक प्रसन्ना ने एक सफलता हासिल की है और कई सफल तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका में दिखाई दिए हैं।
विक्रम वेद्धा में ड्रॉग लॉर्ड रवि के रूप में उनकी भूमिका और चिपक आई गई थी। एक राजनेता के रूप में भी उन्होंने प्रशंसा मिली और इसके बाद वह रोमांटिक कॉमेडी मेद्धा मान में दूसरे लीड के रूप में दिखाई दिए थे, जिसमें दोस्तों विनोद के चरित्र के चित्रण के लिए प्रशंसात्मक समीक्षा मिली है। अंत सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार अर्जित किया है। सबसे पहले उन्होंने फिल्म में विनोद की भूमिका को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशक रत्न कुमार ने उन्हें भूमिका करने के लिए मना लिया है। रत्न कुमार ने विवेक प्रसन्ना पर भरोसा किया और उनकी भूमिका के लिए उनके अभिनय पर ध्यान दिया जा सकता है। फिल्म में योगी बाबू भी काम किए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने बिल्ला 2007 में रंजीत की सहायक भूमिका में अभिनय किया था। इसके बाद पहले उन्होंने सिद्धू कवम 2013 में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और अब्राहा मिंते और संता तिंकल 2018 में एक नकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने गौतम वासु मेनन की पुलिस फिल्मों और बिल्ला फिल्म श्रृंखला में रंजीत के रूप में अक्सर काम किया था। उन्होंने सिद्धू कब्बोम में अपने काम के लिए सकारात्मक समीक्षा भी जीती है। उन्होंने सातवें दिन 2014 में मलयालम फिल्म में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की है, जबकि चेन्नई स्थित थिएटर कंपनी थिएटर वाई के स्थापक है और उन्होंने भारत के विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में ब्रिटिश काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम किया है। उनका काम बच्चे के साथ थिएटर प्रशिक्षण और शिक्षा में थिएटर को मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित है। सामाजिक जागरूकता और विकास के लिए एक उपकरण है उपकरण के रूप में थिएटर वाई शिक्षा पाठ्यक्रम के कला और संस्कृति के एक बड़े हस्तक्षेप की दिशा में प्रयास करता है। फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी की गई थी। फिल्म का संगीत सैम सी एस ने तैयार किया है और छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था और आयुध पूजा के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई थी। फिल्म को बात की जाए तो दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों बहुत पसंद कर रहे हैं। प्री रिलीज इवेंट में निर्माताओं के नाम का खुलासा किए बिना पुष्टि की थी। यह फिल्म एक हॉलीवुड साइंस फाई थ्रिलर फिल्म की आधिकारिक रूप रीमेक है, लेकिन दोस्तों नेटिजेंस को जेम्स और पांड बार्किट द्वारा निर्देशित 2013 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म कोहरेस के साथ ब्लैक की कुछ मान्यता मिली है, जिसकी पुष्टि रिलीज के बाद की गई है। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो फिल्म की कथना की और थोड़ा नजर डाले दोस्तों इस फिल्म में जिप्पा और प्रिया भवानी शंकर विवेक प्रसन्ना युग जापी जैसे कई दिग्गज स्टार दिखाई देंगे। 24 अगस्त को आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी हो गई है। फिल्म का संगीत सैम सी एस ने तैयार किया है, छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन
फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म की कथानक 1964 में एक बरसात की रात में सुपर मून की रोशनी में तीन लोगों एक जोड़े में भागकर जो शादी करके करने के लिए आया था और उनका दोस्त मनोहर कार से एक साथ यात्रा करते हैं, जो मनोहर उनके मिलन का समर्थन करता है, समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों वह विवाह और इरादे रखता है। वह और दुल्हन ललिता से गुप्त रूप से प्यार करता है। रास्ते में उन्हें एक कीचड़ में फंस गई गाड़ी मिलती है, जो उन्हें उनके रास्ते में एक भारी देवदूत की मूर्ति ले जा रही है, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत भारी है। इसे पार करने के बाद वो मोहन के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। बाद में मोहन मनोहर जोड़े के कमरे की ओर बढ़ता है और हाथ में बंदूक लेकर उन्हें मारने के इरादे से, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वह कुछ कर पाता है, एक आवेगपूर्ण शो उसे चौंका देता है और उसे एक विसंगत का अभ्यास होता है। एक गोली चलती है और जब वह कमरे में घुसता है तो वह जोड़े को मित्र पाता है, भ्याति वह उनके हैं। वर्तमान के समय में वसंत और अरायना एक विवाहित जोड़ा जो अक्सर विवादों में रहता है, अपने रिश्ते की कठिन परिस्थितियों से निपटने की कोशिश करता है। एक रात तब में वसंत का झगड़ा हो जाता है, जिससे अरनया बहुत निराश हो जाती है। सुलह करने के लिए बहुत वह छुट्टी मनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दोस्तों अरनया एक शांत और टाउनशिप में अपने नए अपार्टमेंट में सप्ताहांत की यात्रा का सुझाव देती है और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो 1964 की एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं, जो दोस्तों उनके रास्ते में प्रमुखता से स्थापित है। अपार्टमेंट परिसर में पहले निवासी होने के नाते वो उस रात अकेले होते हैं और वो ड्यूटी पर एक अकेले सुरक्षा गार्ड के साथ रहने का इरादा रखते हैं। टाउनशिप प्रमोटरों के अनुसार 1964 के स्थापित देवदूत की मूर्ति रहस्यमय और घटनाओं के इतिहास के कारण अपने स्थान पर बनी हुई है, जो स्थानांतरण के प्रयासों को विफल कर रही है, जिसके कारण चर्च में लगता है कि इसे दैवीय रूप से रहने का इरादा है और वो पास की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। उनकी पहली असामान्य मुठभेड़ एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उपहार में दी गई रहस्यमय पेंटिंग और मुख्य द्वारा लिखने के लिए सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति है। वसंत और अरमन्या दिल के लिए सो जाते हैं और जब प्यार करने लगते हैं तो बिजली चली जाती है और वहीं आवेगपूर्ण आवाज फिर से सुनाई देती है। पावर पैक ऑफ को चालू करने वाला कोई ना होने के कारण वो इसे चालू करने के लिए अकेले पार्किंग क्षेत्र में जाते हैं और अरनया को ठीक समय पर कोई
अजनबी दिखाई देता है, लेकिन वह किसी को नहीं देख पाती है। हालांकि दोस्तों उसे यकीन है कि कोई है। दरवाजे की घंटी बजने से घंटाएं उन्हें और चौंका देती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि वह बसंत का दोस्त होता है, जो इस बात से परेशान है कि उसने किसी मुद्दे के बारे में देर रात को फोन किया था। वसंत और अर्नया, जिन्होंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था, हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अलविदा कहते हैं कि वो उन्हें कोई सामान्य नहीं है। बाद में अर्नया ने विपरीत अपार्टमेंट में रोशनी देखती है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो पूरे टाउनशिप में एकमात्र निवासी है। फिर दोस्तों अजीब घटनाएं सामने आने लगती है। वो अपने अपार्टमेंट की एक प्रतिबिंब देखते हैं, जिसमें एक जैसा फर्नीचर पे और सजावट है, जो चिंतित होकर देखते हैं, और उसके अपार्टमेंट में एक पर्दा अचानक आग पकड़ लेता है। फिर भी वो एक बार जब वो इसे बुझा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अमर चौधरी, जो जिन्हें पेशावर रूप से जीवा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है, जो फिल्म निर्माता, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। वो दोस्तों फिल्म के निर्माता आरवे चौधरी के सबसे छोटे बेटे हैं। दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1991 में अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म में एक बार कलाकार के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने पिता की 50वीं प्रोडक्शन साई 2003 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की है। शिवाजी गणेशन के बाद जीवा एकमात्र तमिल अभिनेता है जिन्होंने साई प्रसा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से राम 2005 में उनके प्रदर्शन के लिए किया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अन्य फिल्मों में अभिनय किया जो सफल रही, जैसे ई 2006 और कतरधो तमेश 2007, शिव मानसुला शक्ति 2009, को 2011, ननबंद 2012, मुग्गा मुडी 2012 और निथन्ने एंड पुन्नाथम 2012 जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उनकी दूसरी फिल्म थित्तिकुड्डे उदय किरण की तेलुगु फिल्म मनसत्था नुब्बे की तमिल रीमेक है, 2003 में रिलीज हुई थी और इसे सुपर गुड फिल्म्स ने ही बनाया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन दोस्तों अभिनेताओं को उनके अच्छे लुक और भावपूर्ण भावनाओं के लिए सराहना मिली थी। यह उनकी तीसरी फिल्म थी। अमेरिकी क्राइम थ्रिलर राम 2005, जिसे फिल्म उद्योग में उनके लिए ड्रीम ब्रेक कहा गया था, कामुक का पाठक कथा और एक सनी 17 वर्षीय लड़के की उनकी भूमिका ने दर्शकों को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। फिल्म को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बाद में साई प्रशंसा और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था, जहां दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। दोस्तों जीवा ने इसके बाद डिस्यूम 2006 में अभिनय किया है, जिसमें कदल फेम संध्या के साथ काम किया है।
युवाओं के लिए एक अच्छी फिल्म और विभिन्न स्थानीय प्रशासनों के समीक्षा की है। जीवा इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं और एक अभिनेता के रूप में परिपक्व हो गए हैं। उनका अभिनय त्रुटिहीन और स्वाभाविक है। उनकी भावनाएं भाव 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 और हाव भाव सभी परिपूर्ण है। गलट्टा ने टिप्पणी की थी कि उसकी बॉस उनकी उन्होंने मेजर रवि की फिल्म कीर्ति चक्र 2006 के साथ मलयालम सिनेमा में एक एनएसजी कमांडो के रूप में अपनी शुरुआत की है, जिसमें मोहनलाल ने अभिनय किया था। फिल्म की शुरुआत शानदार रही और यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मलयालम फिल्मों में से एक थी। दोस्तों, जीवा ने एशिया नेट फिल्म्स अवार्ड में गोपिका के साथ सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार भी जीता है। तमिल अभिनेता जीवा के पास एक अधिक वीर भूमिका है, जिसे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उन्होंने भूमिका में जो शारीरिक ऊर्जा डाली है और उसे देखने के बाद ही विश्वास किया जा सकता है। सिफी ने लिखा कि बाद में फिल्म को डब किया गया और तमिल में अरन के रूप में रिलीज किया गया था। 2006 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म हुई थी, जहां उन्होंने नयनतारा के साथ एक मुग्गा मुद्दी और डुपड़ी में रहने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यावसायिक रूप से हिट रही थी। दोस्तों, बात की जाए फिल्म की तो यह एक ऐसी फिल्म है। फिल्म में जीवा ने अपने 2015 की एक साल की ब्रेक लिया था और 2016 में 3 रिलीज के साथ वापस लौटे थे। उन्होंने अपनी 25वीं फिल्म पुक्किरी राजा में अभिनय किया था, जिसे मिसेस से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। उनकी अगली फिल्म लंबे समय से विलंबित थिरुनाल थी, जिसमें उन्होंने नयनतारा के साथ दूसरी बार काम किया था। इसके बाद उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी कौलाई वेदम 2016 में देखा गया था, जिस दोस्तों डीके ने निर्देशित किया था और जहां उन्हें काजल अग्रवाल के साथ थोड़ा जोड़ा गया था। फिल्म को मिश्र समीक्षाएं मिली है। Rediff.com की समीक्षा में कहा गया है कि जीवा इस भूमिका के लिए एक कदम सही विकल्प लगते हैं। सहज रूप से चंचल, मजेदार और बेहद भावुक होने के कारण उनकी 2017 की रिलीज डेब्यू डायरेक्टर इके की हर कॉमेडी और सिंगली और बुंगुली कधवा थोरा ए को सकारात्मक समीक्षा मिली है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उनकी अगली फिल्म सुंदरसी द्वारा निर्देशित कलाकलप्पू 2 2018 थी, जो दोस्तों फरवरी में रिलीज हुई थी और जीवा को शिवा जय, निक्की गल रानी और कैथरीन ट्रेशा के साथ देखा गया था। एक कॉमेडी इंटरटेनर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और सुपरहिट साबित हुई थी। जीवा की अगली फिल्म की एक साइबर थ्रिलर मई 2019 में रिलीज हुई, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। जीवा की अगली फिल्म गोरिल्ला डॉन सैडी द्वारा निर्देशित जुलाई 2019 में रिलीज हुई और इस फिल्म में एक चिंपांजी की अहम भूमिका थी, जो दोस्तों भारतीय फिल्म इतिहास में पहली बार हुआ था। यह भी पता चला कि कोंग नाम से चिंपांजी को थाईलैंड में सुमित और प्रशिक्षण स्टेशन से कम पर रखा गया था। चिंपांजी से
संबंधित अधिकांश दृश्य की शूटिंग थाईलैंड और शेष भाग चेन्नई में शूट किए गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री सत्याप्रिया भवानी शंकर जी से, यह एक भारतीय अभिनेत्री है, पूर्व टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है, जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में कुछ तेलुगु फिल्मों के अलावा दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्म मेयद्धा मान 2017 में अपनी अभिनय की शुरुआत की और वह मेयद्धा मान 2017, कडाकुट्टी सिंगम 2018, मान स्टार 2019 और माफिया चैप्टर 1 2020, मन्नाई येनाई 2022 और थिरुचित्र बलम 2022, पातुथल्ला 2023 और टेमोटे कलोनी जैसी सफल फिल्मों में दिखाई दी है। दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विवेक प्रसन्ना एक भारतीय अभिनेता है जो दोस्तों इस फिल्म में दिखाई दिए हैं, जो तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं, ज्यादातर सहायक भूमिकाओं में हैं। 2017 में उन्होंने फिल्म मेयद्धा मान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार जीता है। लघु फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों में कई प्रस्तुतियों के बाद उन्होंने अरुण कुमार की पुलिस ड्रामा सेतुपति 2016 में विजय सेतुपति के साथ अभिनय की शुरुआत किया था। उसके बाद दोस्तों 2017 में विवेक प्रसन्ना ने एक सफलता हासिल की है और कई सफल तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका में दिखाई दिए हैं। विक्रम वेद्धा में ड्रग लॉर्ड रवि के रूप में उनकी भूमिका और चिपक आई गई थी। एक राजनेता के रूप में भी उन्होंने प्रशंसा मिली और इसके बाद वह रोमांटिक कॉमेडी मेयद्धा मान में दूसरे लीड के रूप में दिखाई दिए थे, जिसमें दोस्तों विनोद के चरित्र के चित्रण के लिए प्रशंसात्मक समीक्षा मिली है। अंत सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार अर्जित किया है। सबसे पहले उन्होंने फिल्म में विनोद की भूमिका कुछ अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशक रत्न कुमार ने उन्हें भूमिका करने के लिए मना लिया है। रत्न कुमार ने विवेक प्रसन्ना पर भरोसा किया और उनकी भूमिका के लिए उनके अभिनय पर ध्यान दिया जा सकता है। फिल्म में योगी बाबू भी काम किए हैं। यह एक भारतीय अभिनेता है जो चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने बिल्ला 2007 में रंजीत की सहायक भूमिका में अभिनय किया था। इसके बाद पहले उन्होंने सिद्धू कवम 2013 में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और अब्राहा मिंते और संता तिंकल 2018 में एक नकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने गौतम वासु मेनन की पुलिस फिल्मों और बिल्ला फिल्म श्रृंखला में रंजीत के रूप में अक्सर काम किया था। उन्होंने सिद्धू कब्बोम में अपने काम के लिए सकारात्मक समीक्षा भी जीती है। उन्होंने सातवें दिन 2014 में मलयालम फिल्म में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की है, जबकि चेन्नई स्थित थिएटर कंपनी थिएटर वाई के स्थापक है और उन्होंने भारत के विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में ब्रिटिश काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम किया है। उनका काम बच्चे के साथ थिएटर प्रशिक्षण और शिक्षा में थिएटर को मुख्य प्रोग्राफी शुरू हुई और पूरी की गई थी। फिल्म का संगीत सैम सी एस ने तैयार किया है और छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है
और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म को दुनिया भर के सिनेमाघरों में 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था और आयुध पूजा के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई थी। फिल्म को बात की जाए तो दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों बहुत पसंद कर रहे हैं। प्री रिलीज इवेंट में निर्माताओं के नाम का खुलासा किए बिना पुष्टि की थी। यह फिल्म एक हॉलीवुड साइंस फाई थ्रिलर फिल्म की आधिकारिक रूप रीमेक है, लेकिन दोस्तों नेटिजेस को जेम्स और पांड बार्किट द्वारा निर्देशित 2013 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म कोहरेस के साथ ब्लैक की कुछ मान्यता मिली है, जिसकी पुष्टि रिलीज के बाद की गई है। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो फिल्म की कथना की और थोड़ा नजर डाले दोस्तों इस फिल्म में जिप्पा और प्रिया भवानी, शंकर, विवेक, प्रसन्ना, युग जापी जैसे कई दिग्गज स्टार दिखाई देंगे। 24 अगस्त को आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी हो गई है। फिल्म का संगीत सैम सी एस ने तैयार किया है, छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म की कथना 1964 में एक बरसात की रात में सुपरमून की रोशनी में 3 लोगों एक जोड़े में भागकर जो शादी करके करने के लिए आया था और उनका दोस्त मनोहर कार से एक साथ यात्रा करते हैं, जो मनोहर उनके मिलन का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों वो विवाह और इरादे रखता है और दुल्हन ललिता से गुप्त रूप से प्यार करता है। रास्ते में उन्हें एक कीचड़ में फंस गई गाड़ी मिलती है, जो उन्हें उनके रास्ते में एक भारी देवदूत की मूर्ति ले जा रही है, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत भारी है। इसे पार करने के बाद वो मोहन के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। बाद में मनोहर जोड़े के कमरे की ओर बढ़ता है और हाथ में बंदूक लेकर उन्हें मारने के इरादे से, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वह कुछ कर पाता है, एक आवेगपूर्ण शो उसे चौंका देता है और उसे एक विसंगत का अभ्यास होता है। एक गोली चलती है और जब वह कमरे में घुसता है तो वह जोड़े को मित्र पाता है, भ्याति वह उनके हैं। वर्तमान के समय में वसंत और अरायना एक विवाहित जोड़ा जो अक्सर विवादों में रहता है, अपने रिश्ते की कठिन परिस्थितियों से निपटने की कोशिश करता है। एक रात तब में वसंत का झगड़ा हो जाता है, जिससे अरनय बहुत निराश हो जाती है। सुलह करने के लिए वह छुट्टी मनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दोस्तों अरनय एक शांत और टाउनशिप में अपने नए अपार्टमेंट में सप्ताहांत की यात्रा का सुझाव देती है और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो 1964 की एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं, जो दोस्तों उनके रास्ते में प्रमुखता से स्थापित है। अपार्टमेंट परिसर में पहले निवासी होने के नाते वो उस रात अकेले होते हैं और वो
ड्यूटी पर एक अकेले सुरक्षा गार्ड के साथ रहने का इरादा रखते हैं। टाउनशिप प्रमोटरों के अनुसार 1964 के स्थापित देवदूत की मूर्ति रसमय और घटनाओं के इतिहास के कारण अपने स्थान पर बनी हुई है, जो स्थानांतरण के प्रयासों को विफल कर रही है, जिसके कारण चर्च में लगता है कि इसे दैवीय रूप से रहने का इरादा है और वो पास की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। उनकी पहली असामान्य मुठभेड़ एक रसमान्य व्यक्ति द्वारा उपहार में दी गई रसम्य पेंटिंग और मुख्य द्वारा लिखने के लिए सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति है। वसंत और अरमान्य दिल के लिए सो जाते हैं और जब प्यार करने लगते हैं तो बिजली चली जाती है और वहीं आवेगपूर्ण आवाज फिर से सुनाई देती है। पावर बैक ऑफ को चालू करने वाला कोई ना होने के कारण वो इसे चालू करने के लिए अकेले पार्किंग क्षेत्र में जाते हैं और अरनया को ठीक समय पर कोई अजनबी दिखाई देता है, लेकिन वह किसी को नहीं देख पाती है। हालांकि दोस्तों उसे यकीन है कि कोई है। दरवाजे की घंटी बजने से घंटाएं उन्हें और चौंका देती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि वह वसंत का दोस्त होता है, जो इस बात से परेशान है कि उसने किसी मुद्दे के बारे में देर रात को फोन किया था। वसंत और अरनया जिन्होंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अलविदा कहते हैं कि वो उन्हें कोई सामान्य नहीं है। बाद में अरनया ने विपरीत अपार्टमेंट में रोशनी देखती है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई थी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो पूरे टाउनशिप में एकमात्र निवासी है। फिर दोस्तों अजीब घटनाएं सामने आने लगती है। वो अपने अपार्टमेंट के सामने अपने अपार्टमेंट की एक प्रतिबिंब देखते हैं, जिसमें एक जैसा फर्नीचर पे और सजावट है, जो चिंतित होकर देखते हैं और उसके अपार्टमेंट में एक पर्दा अचानक आग पकड़ लेता है। फिर भी वो एक बार जब वो इसे बुझा देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अमर चौधरी, जो जिन्हें पेशावर रूप से जीवा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है जो फिल्म निर्माता, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। वो दोस्तों फिल्म के निर्माता आरवी चौधरी के सबसे छोटे बेटे हैं। दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1991 में अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म में एक बार कलाकार के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने पिता की 50वीं प्रोडक्शन साई 2003 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की है। शिवाजी गणेशन के बाद जीवा एकमात्र तमिल अभिनेता है जिन्होंने साई प्रसा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से राम 2005 में उनके प्रदर्शन के लिए किया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अन्य फिल्मों में अभिनय किया जो सफल रही, जैसे ई 2006 और कतरधो तमेश 2007, शिव मानसुल्ला
शक्ति 2009 को, 2011 ननबंद, 2012 मुग्गा मुडी, 2012 और निथान्ने एंड पुन्नाथम 2012 जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उनकी दूसरी फिल्म थित्ति कुड्डे उदय किरण की तेलुगु फिल्म मनसत्था नुब्बे की तमिल रीमेक है, 2003 में रिलीज हुई थी और इसे सुपर गुड फिल्म्स ने ही बनाया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन दोस्तों अभिनेताओं को उनके अच्छे लुक और भावपूर्ण भावनाओं के लिए सराहना मिली थी। यह उनकी तीसरी फिल्म थी। अमेरिकी क्राइम थ्रिलर राम 2005, जिसे फिल्म उद्योग में उनके लिए ड्रीम ब्रेक कहा गया था, कामुक का पाठक कथा और एक सनी 17 वर्षीय लड़के की उनकी भूमिका ने दर्शकों को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। फिल्म को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बाद में साई प्रशंसा और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था, जहां दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। दोस्तों जीवा ने इसके बाद डिस्यूम 2006 में अभिनय किया है, जिसमें कदल फेम संध्या के साथ काम किया है। युवाओं के लिए एक अच्छी फिल्म और विभिन्न स्थानीय प्रशंसनों के समीक्षा की है। जीवा इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं और एक अभिनेता के रूप में परिपक्व हो गए हैं। उनका अभिनय त्रुटिहीन और स्वाभाविक है। उनकी भावनाएं भाव और हाव भाव सभी परिपूर्ण है। गलट्टा ने टिप्पणी की थी कि उसकी बॉस उनकी उन्होंने मेजर रवि की फिल्म कीर्ति चक्र 2006 के साथ मलयालम सिनेमा में एक एनएसजी कमांडो के रूप में अपनी शुरुआत की है, जिसमें मोहनलाल ने अभिनय किया था। फिल्म की शुरुआत शानदार रही और यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मलयालम फिल्मों में से एक थी। दोस्तों जीवा ने एशिया नेट फिल्म्स अवार्ड में गोपिका के साथ सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार भी जीता है। तमिल अभिनेता जीवा के पास एक अधिक वीर भूमिका है, जिसे उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उन्होंने भूमिका में जो शारीरिक ऊर्जा डाली है और उसे देखने के बाद ही विश्वास किया जा सकता है। सिफी ने लिखा कि बाद में फिल्म को डब किया गया और तमिल में अरन के रूप में रिलीज किया गया था। 2006 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म हुई थी, जहां उन्होंने नयनतारा के साथ एक मुग्गा मुद्दी और डुप्पडी में रहने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह व्यवसायिक रूप से हिट रही थी। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह एक ऐसी फिल्म है। फिल्म में जीवा ने अपने 2015 की एक साल की ब्रेक लिया था और 2016 में 3 रिलीज के साथ वापस लौटे थे। उन्होंने अपनी 25वीं फिल्म पुक्किरी राजा में अभिनय किया था, जिसे मिसेस से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। उनकी अगली फिल्म लंबे समय से विलंबित थिरुनाल थी, जिसमें उन्होंने नयनतारा के साथ दूसरी बार काम किया था। इसके बाद उन्होंने एक रोमांटिक कॉमेडी कौलाई वेदम 2016 में देखा गया था, जिस दोस्तों डीके ने निर्देशित किया था और जहां उन्हें काजल अग्रवाल के साथ थोड़ा जोड़ा गया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली है। Rediff.com की समीक्षा में कहा गया है कि जीवा इस भूमिका के लिए एक कदम सही विकल्प लगते हैं। सहज रूप से
चंचल, मजेदार और बेहद भावुक होने के कारण उनकी 2017 की रिलीज डेब्यू डायरेक्टर इके की हर कॉमेडी और सिंगुली सिंगली और बुंगुली कधवा थोरा ए को सकारात्मक समीक्षा मिली है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उनकी अगली फिल्म सुंदरसी द्वारा निर्देशित कलाकलप्पू 2018 थी, जो दोस्तों फरवरी में रिलीज हुई थी। अजीवा को शिवा जय, निक्की गलरानी और कैथरीन ट्रेसा के साथ देखा गया था। एक कॉमेडी इंटरटेनर फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और सुपरहिट साबित हुई थी। जीवा की अगली फिल्म की एक साइबर थ्रिलर मई 2019 में रिलीज हुई, जिसे मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया था। जीवा की अगली फिल्म गोरिल्ला डॉन सैटी द्वारा निर्देशित जुलाई 2019 में रिलीज हुई और इस फिल्म में एक चिंपांजी की अहम भूमिका थी, जो दोस्तों भारतीय फिल्म इतिहास में पहली बार हुआ था। यह भी पता चला कि कोंग नाम से चिंपांजी को थाईलैंड में सुमित और प्रशिक्षण स्टेशन से कम पर रखा गया था। चिंपांजी से संबंधित अधिकांश दृश्य की शूटिंग थाईलैंड और शेष भाग चेन्नई में शूट किए गए थे। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेत्री सत्याप्रिया भवानी संगर जी से, यह एक भारतीय अभिनेत्री है, पूर्व टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है, जो दोस्तों मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में कुछ तेलुगु फिल्मों के अलावा दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्म मेयद्धा मान 2017 में अपनी अभिनय की शुरुआत की और वह मेयद्धा मान 2017, कडाकुट्टी सिंगम 2018, मान स्टार 2019 और माफिया चैप्टर 1 2020, मन्नाई येनाई 2022 और थिरुचित्र बलम 2022, पातुथल्ला 2023 और टेमोटे कलोनी जैसी सफल फिल्मों में दिखाई दी है। दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विवेक प्रसन्ना एक भारतीय अभिनेता है, जो दोस्तों इस फिल्म में दिखाई दिए हैं, जो तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं, ज्यादातर सहायक भूमिकाओं में हैं। 2017 में उन्होंने फिल्म मेयद्धा मान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार जीता है। लघु फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों में कई प्रतिष्ठियों के बाद उन्होंने अरुण कुमार की पुलिस ड्रामा सेतुपति 2016 में विजय सेतुपति के साथ अभिनय की शुरुआत किया था। उसके बाद दोस्तों 2017 में विवेक प्रसन्ना ने एक सफलता हासिल की है और कई सफल तमिल फिल्मों में सहायक भूमिका में दिखाई दिए हैं। विक्रम वेद्धा में ड्रग लॉर्ड रवि के रूप में उनकी भूमिका और चिपक आई गई थी। एक राजनेता के रूप में भी उन्होंने प्रशंसा मिली और इसके बाद वह रोमांटिक कॉमेडी मेयद्धा मान में दूसरे लीड के रूप में दिखाई दिए थे, जिसमें दोस्तों विनोद के चरित्र के चित्रण के लिए प्रशंसात्मक समीक्षा मिली है। अंत सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का विजय पुरस्कार अर्जित किया है। सबसे पहले उन्होंने फिल्म में विनोद की भूमिका को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशक रत्न कुमार ने उन्हें भूमिका करने के लिए मना लिया है। रत्न कुमार ने विवेक प्रसन्ना पर भरोसा किया और उनकी भूमिका के लिए उनके अभिनय पर ध्यान दिया जा सकता है। फिल्म में योगी बाबू भी काम किए हैं।
यह एक भारतीय अभिनेता है जो चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने बिल्ला 2007 में रंजीत की सहायक भूमिका में अभिनय किया था। इसके बाद पहले उन्होंने सुद्धू कौवम 2013 में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और अब्राहा मिंते और संता थिंकल 2018 में एक नकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने गौतम वासु मेनन की पुलिस फिल्मों और बिल्ला फिल्म श्रृंखला में रंजीत के रूप में अक्सर काम किया था। उन्होंने सुद्धू कब्बोम में अपने काम के लिए सकारात्मक समीक्षा भी जीती है। उन्होंने सातवें दिन 2014 में मलयालम फिल्म में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की है, जबकि चेन्नई स्थित थिएटर कंपनी थिएटर वाई के स्थापक हैं और उन्होंने भारत के विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में ब्रिटिश काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम किया है। उनका काम बच्चे के साथ थिएटर प्रशिक्षण और शिक्षा में थिएटर को मुख्य धारा में लाने पर केंद्रित है। सामाजिक जागरूकता और विकास के लिए एक उपकरण है उपकरण के रूप में थिएटर वाई शिक्षा पाठ्यक्रम के कला और संस्कृति के एक बड़े हस्तक्षेप की दिशा में प्रयास करता है। दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो फिल्म की कथा की ओर थोड़ा नजर डालें दोस्तों। इस फिल्म में जिप्पा और प्रिया भवानी शंकर विवेक प्रसन्ना युग जापी जैसे कई दिग्गज स्टार दिखाई देंगे। 24 अगस्त को आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा आधिकारिक शीर्षक ब्लैक के तहत की गई थी। फिल्म की घोषणा से पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई और पूरी हो गई है। फिल्म का संगीत सैम सी एस ने तैयार किया है, छायांकन गोकुल बेनाय ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया था। फिल्म की कथानक 1964 में एक बरसात की रात में सुपर मून की रोशनी में तीन लोगों एक जोड़े में भागकर जो शादी करके करने के लिए आया था और उनका दोस्त मनोहर कार से एक साथ यात्रा करते हैं, जो मनोहर उनके मिलन का समर्थन करता है। समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों वह विवाह और इरादे रखता है। वह और दुल्हन ललिता से गुप्त रूप से प्यार करता है। रास्ते में उन्हें एक कीचड़ में फंस गई गाड़ी मिलती है, जो उन्हें उनके रास्ते में एक भारी देवदूत की मूर्ति ले जा रही है, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत भारी है। इसे पार करने के बाद वो मोहन के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। बाद में मोहन मनोहर जोड़े के कमरे की ओर बढ़ता है और हाथ में बंदूक लेकर उन्हें मारने के इरादे से, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वह कुछ कर पाता है, एक आवेगपूर्ण शो उसे चौंका देता है और उसे एक विसंगत का अभ्यास होता है। एक गोली चलती है और जब वह कमरे में घुसता है तो वह जोड़े को मित्र पाता है, भारती वह उनके हैं। वर्तमान के समय में वसंत और आरायन आरायना एक विवाहित जोड़ा जो अक्सर विवादों में रहता है, अपने रिश्ते की कठिन प्रति
स्थितियों से निपटने की कोशिश करता है। एक रात तब में वसंत का झगड़ा हो जाता है, जिससे अर्णय बहुत निराश हो जाती है। सुलह करने के लिए बहुत वह छुट्टी मनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन दोस्तों अर्णय एक शांत और टाउनशिप में अपने नए अपार्टमेंट में सप्ताहांत की यात्रा का सुझाव देती है, और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो 1964 की एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं, जो दोस्तों उनके रास्ते में प्रमुखता से स्थापित है। अपार्टमेंट परिसर में पहले निवासी होने के नाते वो उस रात अकेले होते हैं, और वो ड्यूटी पर एक अकेले सुरक्षा गार्ड के साथ रहने का इरादा रखते हैं। टाउनशिप प्रमोटरों के अनुसार 1964 के स्थापित देवदूत की मूर्ति रहस्यमय और घटनाओं के इतिहास के कारण अपने स्थान पर बनी हुई है, जो स्थानांतरण के प्रयासों को विफल कर रही है, जिसके कारण चर्च में लगता है कि इसे दैवीय रूप से रहने का इरादा है, और वो पास की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं और रात के लिए रुक जाते हैं। उनकी पहली असामान्य मुठभेड़ एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा उपहार में दी गई रहस्यमय पेंटिंग और मुख्य द्वारा लिखने के लिए सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति है। वसंत और अरमन्य दिल के लिए सो जाते हैं, और जब प्यार करने लगते हैं तो बिजली चली जाती है, और वहीं आवेगपूर्ण आवाज फिर से सुनाई देती है। पावर बैक ऑफ को चालू करने वाला कोई ना होने के कारण वो इसे चालू करने के लिए अकेले पार्किंग क्षेत्र में जाते हैं, और अर्णया को ठीक समय पर कोई अजनबी दिखाई देता है, लेकिन वह किसी को नहीं देख पाती है। हालांकि दोस्तों उसे यकीन है कि कोई है। दरवाजे की घंटी बजने से घंटाएं उन्हें और चौंका देती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि वह वसंत का दोस्त होता है, जो इस बात से परेशान है कि उसने किसी मुद्दे के बारे में देर रात को फोन किया था। वसंत और अर्णया जिन्होंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अलविदा कहते हैं कि वो उन्हें कोई सामान्य नहीं है। बाद में अर्णया ने विपरीत अपार्टमेंट में रोशनी देखती है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो पूरे टाउनशिप में एकमात्र निवासी है। फिर दोस्तों अजीब घटनाएं सामने आने लगती है। वो अपने अपार्टमेंट के सामने अपने अपार्टमेंट की एक प्रतिबिंब देखते हैं, जिसमें एक जैसा फर्नीचर पे और सजावट है, जो चिंतित होकर देखते हैं, और उसके अपार्टमेंट में एक पर्दा अचानक आग पकड़ लेता है। फिर भी वो एक बार जब वो इसे बुझा देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बात की जाए दोस्तों फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता अमर चौधरी, जो जिन्हें पेशावर रूप से जीवा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता है, जो फिल्म निर्माता जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा और कुछ हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। वो दोस्तों फिल्म के निर्माता
अरवे चौधरी के सबसे छोटे बेटे हैं। दोस्तों उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1991 में अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म में एक बार कलाकार के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने पिता की 50वीं प्रोडक्शन साई अशाई अशाई 2003 में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की है। शिवाजी गणेशन के बाद जीवा एकमात्र तमिल अभिनेता है जिन्होंने साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से राम 2005 में उनके प्रदर्शन के लिए किया था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अन्य फिल्मों में अभिनय किया जो सफल रही, जैसे ई 2006 और कतरधु तमेश 2007, शिव मानसुल्ला शक्ति 2009, को 2011, ननबंद 2012, मुग्गा मुडी 2012 और निथन्ने एंड पुन्नाथम 2012 जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उनकी दूसरी फिल्म थित्तिकुड्डे उदय किरण की तेलुगु फिल्म मनसत्था नब्बे की तमिल रीमेक है, 2003 में रिलीज हुई थी और इसे सुपर गुड फिल्म्स ने ही बनाया था। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन दोस्तों अभिनेताओं को उनके अच्छे लुक और भावनाओं के लिए सराहना मिली थी। यह उनकी तीसरी फिल्म थी। अमेरिकी क्राइम थ्रिलर राम 2005, जिसे फिल्म उद्योग में उनके लिए ड्रीम ब्रेक कहा गया था, कामुक का पाठक कथा और एक सनी 17 वर्षीय लड़के की उनकी भूमिका ने दर्शकों को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। फिल्म को गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बाद में साइप्रस और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था, जहां दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। दोस्तों जीवा ने इसके बाद डिस्यूम 2006 में अभिनय किया है, जिसमें कादल फेम संध्या के साथ काम किया है। युवाओं के लिए एक अच्छी फिल्म और विभिन्न स्थानीय प्रशासनों के समीक्षा की है। जीवा इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं और एक अभिनेता के रूप में परिपक्व हो गए हैं। उनका अभिनय त्रुटिहीन और स्वाभाविक है। उनकी भावनाएं हाव भाव सभी परिपूर्ण है। गलट्टा ने टिप्पणी की थी कि उसकी बॉस उनकी उन्होंने मेजर रवि की फिल्म कीर्ति चक्र 2006 के साथ मलयालम सिनेमा में एक एनएसजी कमांडो के रूप में अपनी शुरुआत की है, जिसमें मोहनलाल ने अभिनय किया था। फिल्म की शुरुआत शानदार रही और यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मलयालम फिल्मों में से एक थी। दोस्तों जीवा ने